Yes, students of JK SSB Finance Accounting System. Yes, students, आज के इस lecture में हम कुछ और expected objectives from the same chapter sets and their applications discuss करने वाले हैं. Dear students, these objectives are important for your examination. Dear students, आज के इस topic का जो आज के इस lecture का जो पहला objective है, now we discuss that objective here. We have here, there are 210 boys in a class. A class है, उसमें 210 boys है. 100 of them like cricket. उन 210 boys में से, out of 210, there are 100 boys who like cricket. And 65 like cricket but not hockey. Then, number of boys who like hockey. ये हमें चाहिए. We have here, dear students, we have two sets of boys. One set जो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, वो दूसरा है जो हॉकी पसंद कर रहे हैं. Dear students, some of the students like crickets and some of the students like hockey and some like both hockey cricket. Dear students, we take the diagram of this. Or situation we have here, say taking this as set C. C be the set of boys who like cricket. Next, H be the set of boys who like hockey. तब जाके जो यहाँ पे जो elements होंगे, ये वो elements हैं that is C intersection H. वो boys जो क्रिकेट भी पसंद कर रहे हैं और हॉकी भी पसंद कर रहे हैं. आप अगर यहां पे देखें, पहले डायग्राम को थोड़ा आप अंडरस्टैंड कीजिए. यहां पे अगर इस वाले हिस्से को देख रहे हैं, यहां पे ऐसे लाइंस में डाल रहा हूं, ये तो हमारे पास है सी माइनस एच, क्रिकेट बट नॉट हॉकी. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन होगा, यू कैन फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम. डायग्राम से आप इजिली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते. और ये जो राइट साइड में यहां का है, इस तरह की लाइंस कर्व्स में डाल रहा हूं, ये सेट हमारे पास है एच माइनस सी. ये सी माइनस एच क्या है? इट इज द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक क्रिकेट बट नॉट हॉकी. ये नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक क्रिकेट एज वेल एज हॉकी, ये वो सेट है, इसमें वो बॉयज है हु लाइक हॉकी बट नॉट. ये चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए. अब नाउ वी सी द गिवन कंडीशन, देयर आर 200 बॉयज, सारे दोनों सेट्स में कुल मिला के हमारे पास 210 बॉयज हैं. 100 ऑफ देम लाइक क्रिकेट, 100 क्रिकेट वाले हैं, दैट इज सी में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी हमारे पास 100 है. इस सी में से हमारे पास 100 एलिमेंट्स. 60 like cricket but not hockey. Cricket but not hockey. यहां पे जो सेट हमने मान ली, इस वाले सेट में हमारे पास है 65 elements. Boys who like cricket but not hockey. अब अगर देख लें डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पे इस वाले सेट में आप देख लेंगे, टोटल सी जो सेट है उसमें 100 elements हैं. क्रिकेट ऑनली जो लाइक कर रहे हैं बट नॉट हॉकी, वो 65 है. तब इस इंटरसेक्शन वाले सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? सिंपली वी हैव 100 माइनस 65, कितना आएगा? जीरो में से 5, वी हैव हियर 9, दैट इज 35 एलिमेंट्स होंगे इंटरसेक्शन सेट में. मीन्स इंटरसेक्शन सेट में आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक क्रिकेट एज वेल एज हॉकी इज 35. ये चीजें आप इजीली कर सकते हैं. आप देखिए हमारे पास 35 है, किसमें? इंटरसेक्शन सेट में, दैट इज द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक क्रिकेट एज वेल एज हॉकी. वी हैव टू फाइंड देयर स्टूडेंट इज द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक हॉकी. हमें हॉकी वाले चाहे जो हॉकी पसंद कर रहे. ये क्वेश्चन में नहीं है कि वो क्रिकेट पसंद कर रहे या नहीं है, लेकिन हॉकी तो पसंद कर रहे. लेकिन यहां पे कुछ स्टूडेंट्स जो खाली क्रिकेट पसंद कर रहे हैं,
कुछ क्रिकेट एंड हॉकी भी दोनों पसंद कर रहे हैं, कुछ हॉकी पसंद कर रहे होंगे। अब वही हॉकी वाले स्टूडेंट्स का हमें नंबर चाहिए, वो कैसे हम लेंगे? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है दैट इज 210 डियर स्टूडेंट, रिमेंबर दिस। इन्हीं में से हमारे पास कुछ क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, कुछ हॉकी पसंद कर रहे, कुछ दोनों को पसंद कर रहे। अब जो हमें हॉकी वाले चाहिए, मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टोटल नंबर ऑफ बॉयज से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे द नंबर ऑफ बॉयज Who like cricket but not hockey? अगर इसमें से हम 65 को निकाल लें, इट इज टोटल नंबर ऑफ बॉयज माइनस नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक क्रिकेट बट नॉट हॉकी, वी विल गेट द नंबर ऑफ हॉकी। इस हॉकी वाले सेट के एलिमेंट हमारे पास होंगे, दैट इज क्लियरली वी गेट हियर 10 में से 5 इट इज 5 मिलेगा, 1 में दैट इज 0 That is 4 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, 145. When we see the option is neither A is correct nor B is nor C, therefore we have the correct option in this objective is D part that is not none of these. इसी ऑब्जेक्टिव को थोड़ा हम चेंज करके रख एक और ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं या एक और ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। सेम कंडीशन इफ वी हैव 210 बॉयज इन ए क्लास, 100 ऑफ देम लाइक क्रिकेट एंड 65 लाइक क्रिकेट बट नॉट हॉकी, यहां पे हम चेंज कर रहे हैं, देन द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक हॉकी बट नॉट क्रिकेट, बट नॉट क्रिकेट। इस तरह भी ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। नाउ वी हैव टू फाइंड ये नंबर ऑफ, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, वी हैव टू फाइंड नाउ नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक हॉकी बट नॉट क्रिकेट, मीन्स वी हैव टू फाइंड एच माइनस सी, ये हमें चाहिए। एच हमारे पास अवेलेबल नहीं है, है कि नहीं है भी और नहीं भी, क्योंकि वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, वी कैन इजीली फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच, वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस एच दैट इज 65, वी कैन इजीली फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच। एज देयर आर 210 टोटल नंबर ऑफ बॉयज, 65 बॉयज लाइक क्रिकेट बट नॉट हॉकी, देयरफॉर 145 जो है ये हमारे पास हॉकी वाले स्टूडेंट्स जो पसंद कर रहे हैं हॉकी को, उनका नंबर हमारे पास 145। इसी में से हमें वो बॉयज हमें निकालने हैं जो क्रिकेट भी पसंद कर रहे हैं, द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक क्रिकेट एज वेल एज हॉकी इज 35, जो भी हमने देखा। मीन्स हमें 145 से निकालने 35, वी गेट हियर 110। क्लियरली ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, जो भी होंगे वी हैव 110 इज द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने ये एक दो क्वेश्चन डिस्कस किए, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी यही क्वेश्चन होगा, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक क्रिकेट एज वेल एज हॉकी, वी हैव हियर 35, यू हैव टू सी किस तरह हमने इस 35 का वैल्यू निकाला। इसी तरह यहाँ पे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक हॉकी, इस तरह नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक हॉकी बट नॉट क्रिकेट, इस तरह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब नंबर्स का मसला है, नंबर कुछ भी हो सकता है, 210 ये मैटर नहीं कर रहा है। जो भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू दिस, यू कैन इजीली फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बट रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास आपके एग्जाम में एप्लीकेशन कोई ऑब्जेक्टिव होगा रिलेटेड टू एप्लीकेशन सेट्स, तब जाके आप पहले उसका डायग्राम जरूर बना लेना। डायग्राम से ही आप इजीली उस ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि वीडियो को इख्तिताम कर ले, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इससे इस्तेमाल हासिल कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।